नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं फरहीन अंसारी। वक्त हो गया है आज दिन भर की फटाफट खबरों का। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन के विरोध में हुआ प्रदर्शन। वैक्सीन लगवाने पर कई लोगों को हो रहे हैं गंभीर साइड इफेक्ट। फिर खुलेंगे अंतरिक्ष के अनसुने राज। 10 दिन में मंगल पर पहुंचेंगे चीन, यूएई और नासा के अंतरिक्ष यान। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी ने दिया जवाब। इस दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर भी हुई चर्चा। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया बड़ा ऐलान। भारत में मार्च तक आएंगे 17 राफेल विमान। अब 100 से ज्यादा शहरों में लागू होगा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। हर शहर के हिसाब से बनाई जाएगी योजना। उत्तराखंड के चमेली में ग्लेशियर टूटने के बाद अमेरिका समेत कई देशों ने जताया संवेदना। मामले के बाद 100 लोग अभी भी है लापता। उत्तराखंड तपोवन की टनल में फंसे 35 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ शुरू। 2.5 किलोमीटर लंबी टनल का 100 मीटर हिस्सा किया गया साफ। पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को दिया करारा जवाब। कहा, समस्या का हिस्सा बनने से राजनीति चलेगी, अगर समाधान का हिस्सा बने तो राष्ट्रनीति मजबूत होगी। उत्तराखंड में चमेली में ग्लेशियर टूटने को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। गर्मी बढ़ने से ग्लेशियर का निचला हिस्सा कमजोर हुआ, ऊपरी बर्फ भी तेजी से पिघल रही। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। बजट में सैनिकों की पेंशन में कटौती को लेकर उठाया सवाल। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए ईसाई समुदाय ने किया 1 करोड़ का दान। निधि समर्पण अभियान में भारी मात्रा में लोग कर रहे हैं योगदान। राजधानी दिल्ली क्षेत्र के लोगों को ठंड से मिली राहत। हल्की ठंड के बीच कई शहरों में बारिश के आसार। सरकार ने खालिस्तान और पाकिस्तान समर्थक 1178 ट्विटर अकाउंट्स पर कार्रवाई करने का दिया निर्देश। देश में अशांति फैलाने का है आरोप। यूपी के वाराणसी में पावर कॉरपोरेशन ने बनाई नई योजना। 5 माह तक बिल नहीं दिया तो मीटर हो जाएंगे प्रीपेड। जयपुर में 11 महीने के लंबे अंतराल के बाद 6 से 8 कक्षा के बच्चों की पढ़ाई भी हुई शुरू। 75% से ज्यादा रही उपस्थिति। भारतीय महिला हॉकी टीम को दुनिया की नंबर 2 टीम अर्जेंटीना से मिली हार। आखिरी वक्त तक बने रहने के बाद 2-3 से हारी टीम। एलके गुंडोगन के 2 गोल में मैनचेस्टर टीम ने लिवरपूल को बुरी तरह से दी मात। इस जीत के बाद 50 अंकों से शीर्ष पर पहुंच गए पेप गॉर्डियोला की टीम। अंकिता लोखंडे का धक धक सॉन्ग पर डांस देखकर भड़के लोग। बोले, सुशांत के लिए आंसू बहाने का ड्रामा अब बंद कर दो। बिग बॉस 14 में देवोलीना भट्टाचार्य के व्यवहार को देख भड़की पवित्रा पुनिया। कहा, उनकी वजह से एजाज खान को होना पड़ा घर से बाहर। तो ये थी इस वक्त की फटाफट खबरें। ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी मोबाइल न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप रह सके देश और दुनिया की हर खबर से अपडेट।